अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज तक के आवेदन की स्थिति क्या है, कब से आवेदन हो सकते हैं, इस साल आवेदन होगा कि नहीं, कि आपका 2024 बेकार जाएगा, 2025 में होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपके सामने रखेंगे। एक और जो गुड न्यूज है ना, कभी कभी आप लोग दोस्तों थोड़ा गुड न्यूज भी देखा करिए, रोज ही बैड न्यूज आती है। देखिए, बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश, बिहार के सीएम ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद कहा। ये दोस्तों बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या वैकेंसी आ रही है, आप लोग को इंतजार नहीं हो रहा है कि फॉर्म में लेट हो रहा है, आप लोग परेशान हो जा रहे हैं ना कि नहीं कल ही से आवेदन होना चाहिए। 2019 जनवरी का महीना, इस दिन दोस्तों शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, लास्ट वाला, ठीक है, यूपी में 69,000 पदों की संख्या थी। उसके बाद से अभी तक वैकेंसी फिलहाल यूपी में तो नहीं आई, बिहार में आई थी लगभग 79,943, 80,000 पद। ये देखिए, हम 80 लिखने वाले थे लेकिन एग्जैक्ट लिख दें। उसके बाद दोस्तों तकरीबन अभी 30,000 या 28,000 समथिंग अभी वैकेंसी थी जो TRE 3 में, और TRE 2 में छोटी वैकेंसी थी। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी पिछले 1 से 2 साल में आ गई बिहार में, और यूपी में 2019 या 2018 में इसका नोटिफिकेशन था, दिसंबर का महीना था, ठीक है। तो आपके जो सीनियर छात्र हैं वो सब्र ही तो कर रहे हैं, वेट ही तो कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सब्र करना सीखिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई थी, डीएलएड प्रवेश का पता नहीं, बेरोजगार छात्र परेशान। भैया न्यूज़पेपर वालों को भी अभी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। देखिए, जो अंतिम फैसला होता ना वो PNP का नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हुए थे, इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश की प्रक्रिया 2 महीने पिछड़ गई है, ठीक है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतिम फैसला PNP का नहीं होता है। जो आप लोग कहते हैं कि सर PNP से कुछ पता चला क्या हुआ, तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है, तो क्या ही मतलब है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक और बड़ी खबर देखिए जो कि काफ़ी दुखद रहेगी ये भी आपके लिए, यहाँ पर देखिए, स्वर्ण विजेता की तरह होगा विनेश का स्वागत। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम वाली बात याद है ना, केवल 100 ग्राम अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिया गया। अब बताइए भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया, सोचिए आप लोग ना। बड़ी बड़ी बातें आप लोग सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें भी देखिए कि देश में हो क्या रहा है हर एक बात, ठीक है। अब आप लोग के कमेंट्स का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ देखिए, एडमिशन से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी कमेंट होगा, हर एक कमेंट का आंसर किया जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग डीएलएड करने की सोच रहे हैं, एडमिशन होगा, उसके बाद आपके मन में कुछ और सवाल भी तो होने चाहिए कि सर एडमिशन होने के बाद क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, अगर क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, और एग्जाम कैसे होता है, कितने दिन में एग्जाम होता है, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, सब कुछ आपको जानना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूपी BTC एडमिशन डेट कब तक आएगा, मेरा 211% सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं, मैं ST से हूँ। जी हाँ दोस्तों, ST कैटेगरी में एक चांस बन सकता है, सर मेरे कमेंट का जवाब दे दीजिएगा। जी हाँ, आप ST से हैं इसीलिए आपका चांस बन सकता है, ठीक है ना, उम्मीद है कि आपका होना चाहिए सरकारी कॉलेज में। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर जी। चलिए यहाँ पर देखिए, तो हमने आपको बता रखा है कि अगस्त के लास्ट तक हम लोग फिलहाल वेट कर लेते हैं, अगर फॉर्म आना होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब सब कुछ लगभग ख़त्म है, हमारा जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला कमेंट देखिए, डीएलएड एडमिशन के लिए 3 मंथ पहले भी वीडियो बनाया, सब प्लीज़ जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए प्लीज़ अब आप लोग एडमिशन को लेकर वीडियो ना बनाए। देखिए इससे क्या होता है ना, वीडियो बनने से बच्चों में मोटिवेशन रहता है, और आप लोग डीएलएड के बारे में और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि आगे शिक्षक भर्ती में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे नौकरी लेना है, KBS के माध्यम से कैसे हम
कहीं पर भी जाकर नौकरी कर सकते हैं? ये सारे सवाल भी आपके मन में होना चाहिए। सर 1 to 5 बढ़िया रहेगा कि 6 to 8 अच्छा रहेगा? कैसे हमें डीएलएड करके नौकरी लेना है? ठीक है, आप लोग सिर्फ एडमिशन का मत सोचिए कि एडमिशन हो जाए उसके बाद चलिए सब कुछ। एडमिशन से कोई नौकरी नहीं मिलती है, तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन बेस पर कितनी वैकेंसी आ रही है आप यहाँ से भी अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से इसको लेकर अवेयर नहीं रहेंगे तो डीएलएड करने का या बीटीसी करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर भी इतनी वैकेंसी है। आप चाहे तो यही से नौकरी ले सकते हैं। डीएलएड करने का फायदा क्या होता है? आप शिक्षक लाइन में आना चाहते हैं, यहाँ पर कंपटीशन काफी कम होता है कि शिक्षक भर्ती में उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स किए हों। ठीक है, अब वैकेंसी आएगी तो वहां पर बीए वाला भी बच्चा आवेदन करेगा, बीएससी वाला भी करेगा, बीटेक वाला भी कर लेगा, बीकॉम का भी कर लेगा, हर तरह के बच्चे आएंगे। लेकिन जो डीएलएड वाली स्पेशल वैकेंसी होती है वहां सिर्फ डीएलएड के बच्चे आएंगे, बीएड था उनको बाहर कर दिया गया। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। फॉर्म आ गया नहीं अभी तक, देखिए ऐसा लिखित रूप में नहीं मिला है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तक आपको एकदम क्लियर स्पष्ट ना हो कि आएगा कि नहीं, तो इस पर अभी हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं कि फॉर्म आएगा या नहीं आएगा। डीएलएड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? रिटर्न एग्जाम होता है, ओएमआर। देखिए पहली बात तो डीएलएड में आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाएगा, पहली कंडीशन। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा वहां पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है ना, ये देखिए एक अच्छे सवाल है यहाँ पर। और एक बात और कि आपका डीएलएड टोटल 800 नंबर का होता है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, कौन सा? प्रथम सेमेस्टर। 800 में से आपका 525 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 275 नंबर का आपका रिटर्न रहता है। सोचिए प्रैक्टिकल कितना ज्यादा आपका, ठीक है, 525 में नॉर्मली आपको 515 से 520 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 275 में अगर आपने 200 भी स्कोर कर लिया है लगभग 200 से 205, तो आप ये मान के चलिएगा आपके 90% बन गए। जो बच्चा कभी 90% नहीं पाता वो डीएलएड में आके सीधे टॉप करता है। यूपी डीएलएड में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? अभी आपको वेट करना है, नई न्यूज हो तो बताइए, डेली एक ही बात करते हैं। देखिए और भी न्यूज इसलिए मैं ऐड कर देते हैं कि आपके पड़ोसी राज्य में 12 लाख वैकेंसी की बात हो रही है, टोटल 2025 तक दे देंगे, कुछ और वैकेंसी वहाँ पेंडिंग होगी। ठीक है, अगर आपके काम की वैकेंसी वहाँ दिखे तो वहाँ अप्लाई करके नौकरी लीजिए। सर एसटी से हमें 239 नंबर हो रहा पूरा मिलाकर, देखिए एसटी कैटेगरी और इतने नंबर, जो कॉलेज आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एक बच्चे का कमेंट आता सर पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़कर एग्जाम दिया उसका 84 से 85% अंक होगा और जितने नकल मारकर एग्जाम दिया उसका 90 से 96। इस तरह से हम सीधे सीधे लोग जिससे कि ईमानदारी से एग्जाम दिया है और इन नकल वाले बच्चों से हमेशा पीछे ही रहेंगे। वैकेंसी में भी इनका प्रतिशत अधिक होने के कारण इनको ही नौकरी मिलेगी, हम तो पीछे रह जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें बच्चे लिखते हैं कमेंट में। इससे अच्छा ये होगा कि सेमेस्टर थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है, लेकिन चलेगा, अन्याय नहीं होना चाहिए। नकल नकल होती है चाहे छोटे स्तर पर हो या बड़े, अतः नियमानुसार एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अपनी बात भी रखते हैं कि अभी डीएलएड में आपने देखा होगा पेपर लीक की बात सामने आई थी कुछ सेंटर में, ठीक है, कुछ टीचर को मतलब सस्पेंड भी किया गया, पकड़े भी गए, एफआईआर भी हो गई है। सर फॉर्म कब तक आएगा? काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ये बात क्लियर है। डॉक्यूमेंट फाड़ने वाला हूँ, रोज़ तैयार करके रखता हूँ। क्या ही बात है जी, हाँ ऐसे बच्चे भी कमेंट करते हैं। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा? अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं क्या? अभी अदर स्टेट को मौका मिलने के पूरे चांस बने, न्यूज़पेपर वाली कटिंग भी हमने आपके सामने रखी है, वेट करिएगा अभी। ठीक है, एनईपी के अनुसार सारे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ बीएड बचेगा, तो देखते हैं क्या होता है। बीएड में तो इस साल उतने एडमिशन भी नहीं हो रहा, आप लोग को बता दें पहले, तो आप में से कुछ बच्चे बीएड करने की भी सोच रहे होंगे, तो देख रहिए बीएड करके आप फिलहाल अभी 1 to 5 में तो नहीं आ पाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। सर मेरा 206% है, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही मुश्किल है, बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? वेट करना है अभी, कब तक वेट करें सर? कंफर्म तो कीजिए, अगस्त महीने के लास्ट तक वेट कर लीजिए, इस महीने तक और वेट करिए। सर सही ज्ञान दीजिए प्लीज़, थंबनेल में फेंका मत करिए, देख सकते हैं। ठीक है सर, इस साल एडमिशन होगा कि नहीं? होना तो चाहिए। थैंक्स सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं। देखिए बहुत से बच्चे हैं जो जुड़े हैं और एक दिन देखिए ऐसे ही बच्चे नौकरी भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं ना, आजकल आपको पता है पहले आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते रहे होंगे, अब ध्यान दीजिए आजकल आप रील देखते हैं ना, रील्स का नाम सुने ना, वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो रहती हैं जो 30 सेकेंड की होती है, 15 सेकेंड की, 10 सेकेंड की, मतलब आप लोग आजकल 10 सेकेंड भी वीडियो नहीं रुक पा रहे, सोचिए।
तो भाई इतना लंबा सब्र आपने कर लिया, सोचे होंगे फॉर्म आ जाएगा। लास्ट ईयर 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, 31 अगस्त तक चला था। तो हम लोग कम से कम उस डेट तक तो वेट कर ही लें जहां तक पिछले साल आवेदन की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, कॉलेज वालों का नुकसान आपसे कहीं ज्यादा हो जाएगा। एक कॉलेज में 100 सीटें होती हैं, एक बच्चे पर 41 हजार हैं, सोचिए कॉलेज का कितना नुकसान होगा, 41 41 लाख का एक साल में। आप लोग का नुकसान जो होगा होगा, कॉलेज का भी बड़ा नुकसान है सर। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कुछ साल पहले हुआ था कि एडमिशन ही ना हो। जी हमने आपको बताया था ना, बीटीसी का जब 2015 बैच आया था उसके जस्ट बाद डीएलएड का 2017 बैच आया। ठीक है, मतलब हमारा जो गैप ईयर था 2016 का कोई बैच ही नहीं बना। ठीक है, 2016, एक सेकेंड, यहाँ कोई बैच नहीं है। फिर दोस्तों डीएलएड में 2020 में कोई बैच नहीं है, यहाँ खत्म खत्म है। अब देखिए 4 4 साल का अंतर है, इसलिए बच्चों को लग रहा है कि 2024 में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अभी फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो फिलहाल अभी हमें डरना नहीं है। सर कब आएगा बीटीसी का फॉर्म? आना चाहिए। देखिए लास्ट ईयर अगर आप लोग ऐसा कहते, जब बीएड में एडमिशन ज़्यादा हो रहा था, बीएड को 1 to 5 में मौका मिला था, तो ऐसा लगता कि ऐसा हो सकता है। अब बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुद ही वेट कर रहे हैं। अगर इस समय ऐसा होगा ना तो काफ़ी ज़्यादा अन्याय होगा। सर कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं बीटीसी में, क्या लेना चाहिए एडमिशन या फॉर्म आने का वेट करना चाहिए? बिल्कुल वेट आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोग सोच रहे हैं एडमिशन जो ले रहे हैं वो पीएनपी का भैया फॉर्म होता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। वो आपसे पता पैसा इसलिए ले 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 रहे हैं ना। अभी क्या है कि आप लोग अगर पैसा दे देंगे तो आपको फंस जाएंगे, आप किसी अदर जगह तो जा नहीं सकते। फिर अभी आपका मूड चेंज हो जाए, मान लीजिए आप 41 हजार में एडमिशन ले रहे हैं, पड़ोसी वाला एडमिशन आपको भाई 35 हजार में दे दे, और पड़ोसी वाला 30 हजार में एडमिशन दे दे। कुछ कॉलेज वाले चाहते हैं हमारे कॉलेज की सीट खाली ना जाए, इसीलिए अब की बार फॉर्म ठीक है फिल नहीं किया जाएगा। क्या बीटीसी का एडमिशन फॉर्म कब से भरा जाएगा? सर वेट करिए राहुल जी, फॉर्म आएगा तो बताएंगे। सर मैं यूपी में बरेली से हूँ, मेरा 194% जनरल कैटेगरी से, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया जाए तो क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज लेने में आसानी हो सकती है अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फॉर्म कब आएगा? जी हाँ देख सकते हैं सभी बच्चे परेशान हैं। ठीक है, तो जब फॉर्म आएगा ना, तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना रहेगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए हर वीडियो में हम आपको इसलिए समझा देते हैं कि कोई बच्चा आज डायरेक्ट 16 अगस्त को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा हो तो भी इसको A to Z प्रोसेस पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना रहेगा। अगर अभी तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है तो वो जरूरी है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% जनरल में, आरक्षित वर्ग में 45% होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यहाँ पर आपका हाई स्कूल इंटर के ये डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। फिर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपका स्टेट रैंक आएगी, क्योंकि मेरिट के बेस पर एडमिशन है तो स्टेट रैंक ही आपका रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए ₹5000 लगेगा। अपने मन से आप जितने भी कॉलेज के नाम चाहे उतने कॉलेज का नाम दे सकते हैं। चॉइस लॉक करने के 5000 और लगेंगे। फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट, मतलब इसको पाने के लिए टोटल आप 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे। आपको बता दें सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200, 10,000 एडवांस पेमेंट फीस होगी। बाद में कितना आपको देना पड़ेगा? मात्र ₹200 में आपका एडमिशन होगा। प्राइवेट कॉलेज की 41,000 फीस होती है, 10,000 पेमेंट कर चुके होंगे। बाद में 31,000 देकर आपका एडमिशन होगा। तो ये कुछ ऐसी रहेगी शैक्षिक अर्हता, ये सब बातें लिख कर आएंगे। आयु मिनिमम 18 साल से कम में एडमिशन नहीं होने वाला है। निवास यूपी का पहले जरूरी था, इस बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी जो जरूरी से जरूरी है। ठीक है, जाति, निवास और आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रमाण पत्र। चलिए एक शपथ पत्र भी आपका लगेगा, ये जिसमें आप ये बताते हैं कि भैया हम डीएलएड के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं। ये वैकेंसी की बात कर रहे थे 2019, इस वैकेंसी के बच्चे आज 2024 जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी बच्चे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनके अंदर सोचिए किस लेवल का सब्र होगा, किस स्तर का सब्र है कि जो आज तक वेट कर पा रहे हैं। आप लोग मतलब 1 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना वेट नहीं कर पा रहे, वो बच्चे 5 साल से वेट कर रहे हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। तो बाकी देख लीजिए 100 ग्राम वाला भी हमने आपको बताया, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर पाई बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 8738079216। ठीक है, 87 38 07 ये 92 है ना, 92 है 16। ठीक है, फिर मिलते हैं।